मामला यूपी के बिछुआ गांव का है, जहां चूल्हे की चिंगारी से जो है 86 मकानों में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, इस हादसे में कई मवेशी भी जिंदा जलकर मर गए। आपको बता दें कि करीब 50 से 60 लाख तक का नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। वहीं राजस्व महकमे की टीम के मुताबिक नुकसान की रकम का दायरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे के साथ एसपी पूर्वी नरपेंद्र ने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है, पुलिस बल गांव में तैनात है। घटना का पता लगाते ही सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश देते हुए सभी घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की। ग्राम के अंतर्गत कटारी बिछिया का प्रकरण है, जो 3 बजे के बाद 130 यादव का घर था, जिसे घर में से चूल्हे की आग से आग लग गई। उसके बाद उसी क्रम में लगभग उस गांव के 86 घरों में आग लग गई और इसमें कोई विशेष जनधन की हानि नहीं हुई है। एक बसंत कुमार को उनको हल्के जले हैं, वो सीएससी बिलग्राम भर्ती हैं और बाकी स्त्री वहाँ कंट्रोल में हैं।